हेलो जी जी, रूबिका जी बात कर रही हैं? बोलिए। रूबिका जी, प्लीज़ मुझे 2 मिनट बात करनी है आपसे। फ़ोन ना कट करें आप। अगर आप में वाकई इंसानियत बाकी है तो जी फ़ोन ना कट करें, बस सुनिएगा मेरी बात, ठीक है? बताइए। आप क्यों इस तरह से जहर फैला रही हैं अपनी जर्नलिज्म के ज़रिए से? अल्लाह ने आपको इतना बेहतरीन मौका दिया है लोगों की खिदमत करने का। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जो इस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पे आप पहुंची है, और आप जिस तरह से जहर फैला रही हैं, खुदा का खौफ करिए। पता नहीं, मुझे तो आप खुदा को मानती हैं नहीं मानती नहीं पता, आप जिस भी खुदा को मानती हैं उसका खौफ करिए। लेकिन आप कौन साहब हैं मेरा नाम फहाद है। और क्यों मुझे फोन कर रहे हैं? आपको फ़ोन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बे इंतहा गंद फैला रही हैं, क्योंकि जिसकी वजह से बेचारे हाँ, तो मासूम, आप जो मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दीजिए, बिल्कुल मेरा आपकी टाइम वेस्ट मत हेकड़ी निकल कीजिए। गई। मैंने आपको देखा कि भाई आप जिस तरह से अब रिपोर्टिंग कर रही हैं ना, आपकी हेकड़ी निकल गई है। एक केस आपके ऊपर क्या बुक हो गया, आपकी हेकड़ी निकल गई है। आप इस तरह से जो है ना, आपकी जहरीली जर्नलिज्म की वजह से बेचारे मासूम मंडी वाले जो अपना अपना रोज़ का कारोबार करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, आपको क्या है, एसी में बैठ के आपको जो है ना, आपको हड्डी डाल दी जाती है आपके अकाउंट की तरफ से, और आप अपनी जो मुंह पे आया बोलती रहती हैं। इस तरह से ना करें, खुदा का खौफ करें। हेलो, काट दी। हेलो हेलो, प्लीज़ ऐसे तो ना करें ना, फ़ोन ना कट करें आप। 1-2 मिनट के लिए सुन लीजिए। आप सारा दिन सुनाती रहती हैं सारे देश को, सारी दुनिया को, हमें दो भाई, मिनट आप नहीं सुन अगर सकते? बदतमीजी से बात करने के लिए मुझे फोन करेंगे तो आपको लगता है मेरी मैं आपकी बात बहन, सुनूंगी? मेरी बहन, मैं आपसे हरगिज़ बदतमीज़ी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। आप मुझसे तरीके से बात कीजिए, मैं मैं आपकी आपको बात अपने को 15 डायरेक्ट मिनट मोबाइल तक से के कर लिए रहा हूँ। सुनने मैं को आपको तैयार अपना हूँ। नाम फहाद मखसूसी साफ साफ बता रहा हूँ, मैं क्यों बदतमीज़ी करूँगा आपसे? आप लोग तो पावर में हैं माशाल्लाह से, आपके और पास जो आपको इतना ऐसा क्यों पावर है, लगता है? नहीं, आप आपने शुरुआत कैसे की? नहीं, मेरे पास मेरे भाई कोई पावर नहीं है। फहाद बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल, मेरी आप बात बहुत सुनिए। पावरफुल हैं। आपके पास जो मीडिया का मेरे पावर पास है, कोई आपके पास पावर जो नहीं है। गवर्नमेंट का पावर है, आप जो गवर्नमेंट की मैं वकालत सिर्फ करती अपना रहती हैं काम सारा कर रही हूँ, दिन, मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ। मेरे भाई मेरी और बहन, कुछ भी नहीं कर आपको रही है। लगता है आप अपनी नौकरी कर रही हैं? हाँ आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ईमानदारी ये से। नहीं, आप नौकरी नहीं कर रही हैं, आप पैसे कमा रही हैं। आप जर्नलिज्म हरगिज़ नहीं कर रही हैं मैं मेरी नहीं, बहन, अरे फिर आप सिर्फ पैसे कमा रही हैं। आप ऐसे बात करेंगे तो आप कैसे चाहेंगे कि मैं आपसे बात करूं, मुझे ये बताएं। आपको नहीं लगता सीरियसली, एंड ऑफ द डे आप जब घर पे जाते हैं, आप जब टीवी खोल के देखते हैं, आपकी वजह से जो है नहीं ना, नहीं जिस मेरे तरह से भाई, गंद मच रही है, नहीं आज मैं, मासूम जो अच्छा ठेले आपको वाले हैं, आपको पता ठेले है वाले आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मेरे आज अपनों दिल्ली की में, तरफ यूपी से में, मुझे इंदौर में क्या सुनिए हालत हो गई फहाद, है मेरे पता है भाई आप आपको? सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन जी लीजिए, जी मेरी बात सुन लीजिए। आप जी कहाँ कहाँ रहते हैं मुझे बताएं? मैं सऊदी अरब में रहता हिंदुस्तान हूँ, में कहाँ? मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, सऊदी अरब में रहता हूँ मैं। सऊदी अरब में जी रहते हैं हाँ, ना मैं वैसे इंडियन आप, हूँ, मैं वहाँ पर इंडिया में ही देख रहता रहे हूँ। हैं? वाह वाह, मैं सुन इंडिया, लीजिए। हैदराबाद में रहता हूँ, हाँ, हैदराबाद मैं का रहने समझ वाला। गई, आप नौकरी के लिए, आप नौकरी के जी लिए हाँ वहाँ पर है जी ना, हाँ समझ गई। जी हाँ, आप मेरी बात सुनिए, आप और ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं पता आप कितना समझ पाएंगे, पर चूंकि आप मेरे भाई हैं, हम कौमी हैं, मैं आपको एक बात नहीं बताऊं, कौमी का मत लगाइए। मैं देखिए, मैं हिंदुस्तानी मेरी भाई है, मेरे मेरे सारे हिंदुस्तानी, मेरे मेरे कोई मुसलमान, सिर्फ ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई कौम की वजह से मैं किसी को भाई नहीं मानता, क्योंकि अल्लाह ने अच्छा आप सबको सुन रबुल लीजिए, आलमीन आपके कहा, अल्लाह अच्छा सबका सुनिए, आप मेरी रब बात है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जी आप ये कौमी नारा मत लगाएं, मैं, आप हिंदुस्तानी मैं बहन है आप फख्र मेरी। से कहती हूँ, मैं फख्र से कहती हूँ कि मैं मुसलमान, मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मुझे किसी को बताने की तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप अल्लाह को मुझे कयामत में भेजना है तो वो जो मैंने किया है मेरे उसके लिए भेज देगा। आप मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बिल्कुल मैं क्या कहती हूँ, एक बात कहती हूँ कि हम पढ़े लिख लें, क्यों जी, ऐसा है कि सारे जमाती भाई छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको आपको पता क्यों है, ऐसा आपको है पता कि है कोई भी इंडिया में मौलवी और कितने केसेस मौलाना हैं? आकर कुछ भी कहने लगता जी है? मैं तो उनके खिलाफ लड़ रही हूँ ना भाई, मैं कोई मुसलमानों के खिलाफ आप थोड़ी कौन से लड़ रही मौलाना के खिलाफ लड़ रहे हैं? आपका, आप एक अपने बच्चे को बिठा लीजिए, आपके माशाल्लाह से मुझे पता है आपको कोई लड़का भी है ना, उस लड़के को बिठा लीजिए, अभी शायद वो माइनर है, उसको बिठा के आप अपने टीवी पे डिबेट दिखा लीजिए, फिर उसके बाद वो कहेगा मम्मा आप ये क्या कर रही हैं आप। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप अपने बच्चे के लिए किस तरह का हिंदुस्तान तैयार कर रही हैं? हम और आप चले जाएंगे, मेरी मैंने बहन क्या, ये अच्छा दुनिया मैंने छोड़ के क्या, चले जाएंगे, मुझे हमारे आने ओहो वाले अल्लाह, जनरेशंस के लिए हम क्या बना रहे सुनिए हैं, मेरी हम किस बात, तरह का सुनिए हिंदुस्तान मेरी बना बात। रहे हैं? जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे वहां, जब तक इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको आपको सिर्फ यही लगे, कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे हम लोग नहीं, विक्टिम कार्ड कि खेलने की हमें विलन जरूरत ही बनाया नहीं जा है। रहा है, हमें विलन आपने बनाया जा रहा है। आपने देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान गलती करता है
स्पेशली अगर वो मुसलमान हो तो पूरा उसका उसका बाकायदा उसका नाम मुसलमान पड़ जाता है, लेकिन कोई अगर गैर मुसलमान होता है तो उसको बेचारे को जो है ना वो, जैसे कि आप आपको एक एग्जांपल बता दूँ, जमात के जो लोग मस्जिद में फंसे थे वो लोग छुपे हुए थे और वैष्णो देवी के मंदिर में वो फंसे हुए थे, तो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, किस तरीके से सेग्रीगेट करने की कहा? कोशिश की अच्छा, जा आप रही है। मुझे सुना रहे, मुझे क्यों सुना रहे, मैंने कहा ये बात? बिल्कुल कही है, आपके हर चैनल ने कहा है। जाने में सबसे बड़ा रोल मेरा किरदार है, सबसे बड़ा किरदार मेरा। नहीं, और आपको पता है, अगर जेल में नहीं, बैठा अच्छा हुआ आपने कभी ये हिम्मत की है, आपने बैठा कभी ये हिम्मत की है, नरेंद्र मोदी जी वादा दावा करते रहे कि भाई जनवरी 31 से कभी से जो है ना इंडिया में स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी, अगर इंडिया में उस टाइम से स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी तो फिर ये लोग कैसे आए? ये लोग तो जनवरी में नहीं, तो बल्कि मार्च में आए थे। आपने आज मेरा डिबेट देखा? बिल्कुल देखा है मैंने, आज के डिबेट की बात करें, आपने ऑलरेडी पिछले तीन महीने में, आपने पिछले 3 महीने में इतना जहर घोल दिया है मेरी बहन। आज जो है ना मासूम जो ठेले वाले लोग हैं वो लोग, पहले तो रोजगार नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं है। आपने कभी रोजगार पे सवाल करने की कोशिश की है हुकूमत से? आपने कभी जो है ना हुकूमत के जो वादे हैं उस पे आपने कभी सवाल करने की कोशिश की है? आरोप लगा रहे साथ भाई, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको सब, क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मेरे आंखों पे हरगिज पट्टी नहीं बंधी हुई है। आप जाइए, मेरा नाम गूगल कीजिए और आप मेरी फेसबुक की प्रोफाइल देख सकते हैं, मैं किस तरह का कंटेंट शेयर करता हूँ, किस तरह की बात करता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। मैं कभी भी ये जो है ना रिलीजन कार्ड खेलने की कोशिश नहीं करता, जिस तरह से आप लोगों को ऐसा लगता है। बकायदा आपको हुकूमत ने अपॉइंट किया हुआ है कि भाई उनकी तायद करें, उनकी नुमाइंदगी करें, आप चैनल के ऊपर आके लोगों का दिमाग खराए। मुझ पर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते? नहीं, मैं झूठे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, भाई मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। झूठ है? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं है। आप अपने 14-15 साल का जो भी लड़का है आपका, उसको टीवी स्क्रीन के सामने बैठाइए, आपकी एक दिन की डिबेट, लड़का नहीं है बाय द वे, आपको कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है? आपका जितना भी लड़का है, आपका आपकी माँ को बिठा लीजिए, आपके आपके पता नहीं आपके शोहर भी आपको क्यों कुछ नहीं बोलते, आपको सलाह देते हैं नहीं देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो कर रही हैं यकीन मानिए इससे हिंदुस्तान जलेगा। फोन आपने गलत है।